हॉकी इंडिया ए उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में भारत एवं फ्रांस ए महिला हॉकी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच गोरखपुर में भारत और फ्रांस के बीच खेला गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में भारत ने फ्रांस ए की टीम को 3-2 से हराकर पिछले मैच में हार का बदला लिया। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरे मैच रविवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के नवनिर्मित हॉकी स्टोट्रफ मैदान में खेला गया। गोरखपुर में किसी भी खेल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच खेला गया। पहली बार खेले गए हॉकी के इस अंतर्राष्ट्रीय मैच में हजारों की संख्या में दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया और अपनी टीम का समर्थन किया, जिससे भारतीय टीम को सपोर्ट मिला। दोनों टीमों का दर्शकों ने उत्साहवर्धन किया और जमकर तालियां बजाई। मैच के पहले क्वार्टर में फ्रांस ने एक गोल दागकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद भारत को 3 पेनाल्टी कॉर्नर मिले। भारत ने दूसरे पेनाल्टी कॉर्नर में मैच 1-1 से बराबर किया। भारतीय टीम फ्रांस टीम पर लगातार दबदबा बनाए रही। एक मैदानी गोल दागकर फ्रांस की टीम पर 2-1 से बढ़त बना ली। एक समय पर भारतीय टीम ने फ्रांस पर 3-1 के अंतर से बढ़त बनाई थी, लेकिन मैच के अंतिम समय में फ्रांस ने एक और गोल दागकर भारत को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। मैच के अंत में भारत ने फ्रांस को 3-2 से पराजित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मैच के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री ने दोनों टीमों की खिलाड़ियों को पुष्प देकर अभिवादन किया। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, संघ के पदाधिकारी कमांडर आर के श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश हॉकी के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, महासचिव उत्तर प्रदेश हॉकी एवं उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आर पी सिंह, समाजसेवी अरुणेश शाही, नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, बीजेपी के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए के पांडे, आयोजन समिति के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दर्शकों महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और उत्तर प्रदेश हॉकी के महासचिव डॉक्टर आर पी सिंह ने कहा। मैच खेलने के लिए दोनों टीमें अपने अपने फ्रांस की टीम भारत माता की भारत माता की हेलो चलो चलो हेलो। और अब इसके बाद आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Thank you.
सभी दर्शक अपने स्थान पर बैठ जाए। ये उत्साह आनंद उमंग से
मैच हो रहा है। बहुत अच्छा मैच हो रहा है। कौन जीत रहा है? चला जिसमें इंडिया के दो गोल है और फ्रांस का एक गोल है। इंडिया यहाँ पे जीत पे चल रही है। अभी इंडिया काफी अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही है, एक गोल से आगे है। के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा साहब यहां पर उपस्थित हैं। आपका स्वागत। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरक्षपीठ नगरी में भारतीय टीम ने 3-2 से ये मैच जीत लिया। श्रृंखला के जो दो मैच हुए हैं 1-1 से बराबरी पर। केंद्रीय मंत्री
एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं लोग। वेरी गुड टाइप का मामला है। भी अच्छा खेली है और बराबरी हो गई है टेस्ट मैच में, आगे की रणनीति कैसी होगी आपको? मैं ही सोच के आए थे कि हम अच्छा खेलेंगे और इम्प्रूव करेंगे और दो मैच है उनमें हम बहुत अच्छा खेलेंगे और उनको बीट करेंगे। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा लगा, ये बाहर का क्राउड्स देख के कि हमें अच्छा से खेलना चाहिए और हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो हमें अपने आप को ठान लिया था कि हम अच्छा खेलेंगे, अच्छा पास करेंगे, रॉन्ग पास नहीं करेंगे, ये सोच के। ये समय पेनल्टी कॉर्नर हमारे सर जो कराए थे वही किए हम, इसलिए हमें ये गोल स्कोर मिला। बना के रखी थी आपकी टीम ने? ये सब सोच के ही आए थे रूम से कि आज तो इनको मार के रहेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोच के। थैंक यू। नहीं, गोरखपुर में वाकई पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ और सबसे बड़ी बात है कि जीत के साथ आगाज हुआ और ये गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जो हॉकी की स्टेडियम तैयार हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे और भी मैचेस लोगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देखने को मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि खेल अवस्थापनाओं का
तकनीकी दृष्टि से ज़्यादा हर खेल की अवस्थापनाओं का निर्माण किया जाए। उसी के सापेक्ष आपने देखा 28 जनवरी को दो स्टेडियम, एक तो कुश्ती हॉल जो देश का 7वां कुश्ती रहा थ्री मैट का, और हॉकी का टर्फ। उम्मीद करते हैं कि कुश्ती हॉकी और भी जो खेल हैं हमारे वो धीरे धीरे और विकसित होंगे और इनके मैच का और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होगा।